बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा है कि मामले में जो दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जनता दरबार आयोजित करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गया, ये बहुत गंभीर मामला है। परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब इसकी जाँच की जा रही है। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, क्योंकि सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, और आ गया था मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही, हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में, कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। वही जब जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना जब होगा तब पूरे तौर पर होगा, अधूरा नहीं होगा, सरकार सभी लोगों का राय लेगी, उसके बाद जातीय जनगणना पर काम किया जाएगा, एक बार मीटिंग करेंगे तब कई तरह का आइडिया आएगा। बीच में कोरोना का खतरा आ गया था इसलिए इस पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा, माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान ले, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा, लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की है, सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया है, हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई, और कैसे किया जाए, किस तरह से इसको लोगों की राय ली जाए। अब जैसे एक बात देखिए, अगर करिएगा भी तो सब लोग जो है उपजाति बोलते रहता है ज़्यादा, कितने लोग होते हैं जो अपना जाति नहीं बताते, उपजाति बोलते। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान से पिछले दिनों हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने इसे निजी मुलाकात बताते हुए कहा कि न्यूज में ऐसे ही बहुत कुछ छप जाता है, तो उनकी इच्छा हुई, आए तो बात हुई, और वैसे ही बात कर रहे थे, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा हुई तो हमने कहा कि ठहरिए बुला लेते हैं शिक्षा मंत्री जी, अगर यहाँ हैं तो भी जरूर बात करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो हमने तुरंत इनको फ़ोन किया और बुलवाया और फिर बैठ करके भी बात की, और भी उनके पास गए जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे बैठ करके बात की, कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो बातचीत है वो बिल्कुल निजी है, कुछ का अर्थ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कौन सी ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो बातचीत हम लोगों का आपस में होते रहता है, उसे कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ से आ करके कोई ख़ास चीज़ जानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी। सर बिहार गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है तीन कास्ट को एसटी में इंक्लूड करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स में निषाद नोनिया और एक कोई और, तो इन तीनों को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। सर यहाँ पे जब आप कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं स्टेट में, और फिर भी अगर परमिशन सेंटर से लेना पड़ रहा है तो वो पूरा एक्सरसाइज किस ढंग से रेलिवेंट होगा? ये देखिए, जो हम लोग किसी को शेड्यूल कास्ट के लिए, किसी को शेड्यूल ट्राइब करने के लिए अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं, तो ये निर्णय लेना तो केंद्र के स्तर पर है, कानून जो है
संवैधानिक जो प्रावधान है वहाँ से हो। हम लोग तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ से होना है, तभी अगर नहीं हुआ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सेंसस वाली बात, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हम लोगों ने की है, और राज्य में राज्य सरकार अपने स्तर से करेगी, तो उसमें तो कास्ट सेंसस होगा ना भाई। वो तो किसी की मान्यता जिस जाति में जिसमें भी हो जाए, कोई शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, कोई शेड्यूल ट्राइब हो जाए भविष्य में, कोई किसी का होगा तो उसमें शामिल होगा। अभी तो जो उसकी जाति है उसी रूप में ना सबकी संख्या मालूम होगी, लेकिन अल्टीमेटली किस कम्युनिटी में, मतलब किस में आएगा, वो तो भविष्य का चीज़ है, बात का चीज़ है। अभी तो वो उतना नहीं, हम लोगों ने तो भेजा ही है, एक का भेजा, कितने का भेजा। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।